सो हे गाइस वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गाइस आज हम लोग दिवाली के शुभ अवसर पे बहुत ही मजेदार चीज स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पे। एंड उससे पहले ये देखो मैं कुछ डेकोरेशन वगैरह किया हूँ रूम में, तो चलो एक छोटा सा रूम टूर करते हैं पहले। तो सबसे पहले आता है हमारा प्यारा प्ले बटन एंड मैं इसे लाइट से रैप कर दिया हूँ, काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे ये टेबल लैम्प, इसको मैं ऑनलाइन परचेस किया था रिसेंटली, तो काफ़ी सही लगता है देखने में। आपको अगर लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो बैकग्राउंड इतना ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये एक्चुअल में इतना नहीं है, तो मेरे फ़ोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ब्लू कलर ज़्यादा ही दिखा देता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मेरा ड्राइंग टेबल, तो इसके पीछे एक और लाइट है जो कि कलर चेंज होते रहता है, तो मैं लास्ट में दिखाता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मेरा पीसी सेटअप, तो इसका जो टेबल है वो मैं न्यू परचेस किया हूँ स्पेशली पीसी के लिए। और इसके बगल में जो लाइट है, ये दो गो ट्यूबलाइट है रेड और ब्लू कलर का, उसको भी मैं फिक्स कर दिया हूँ, तो ये जलता है तो पिंक कलर का भी टोन आता है बीच में। तो ये देखो यहाँ पे ये कलर चेंज होते रहता है पीछे एक लाइट, और इसको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे रेड जलाया और इसके बाद ग्रीन एंड देन ब्लू। ओके, तो ये था मेरा थोड़ा मोरा डेकोरेशन। सो फाइनली द वेट इज ओवर, तो अब टाइम आ चुका है रिवील करने का कि क्या नया चीज आने वाला है। सो गाइस मीट माय न्यू ग्राफिक टैबलेट, तो चलो जल्दी से इसे यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनना पड़ेगा, ये आपकी नहीं स्क्रीन की सेफ्टी के लिए है, ताकि स्क्रीन में कोई स्क्रैच ना लग जाए या फिर कोई अनवांटेड टच ना हो। और इसके साथ में हमें एक पेन मिलता है जो कि आप सिर्फ इसी स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हो, और ये बिल्कुल बैटरी फ्री है, यानी कि इसमें आपको बैटरी लगाने का कोई टेंशन नहीं है। एंड ये पेन पकड़ने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और जैसे आप रियल में पेंसिल यूज़ करते हो सेम फीलिंग आपको यहाँ पर भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है प्रेशर सेंसिटिविटी, आप पेन को जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा डार्क होते जाएगा। तो अगर आप कोई ड्राइंग को शेडिंग करना चाहते हो तो बड़े आसानी से कर सकते हो। ये देखो मैं इस पर एक पिकाचू बना के दिखा था, एंड सच्ची बोलूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा, बहुत मज़ा आता है यार इस पर बनाने में, एकदम लगता ही नहीं है कि आप डिजिटल ड्राइंग कर रहे हो, एंड सारा आपका जो वर्क स्पेस है स्क्रीन में वो सब चीज़ एक जगह पर रहता है, कलर ब्रशेज, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और टैबलेट के साइड में आपको बहुत सारा बटन्स मिलेगा, जैसे कि ये रेड कलर का रोलर है, इसे मैं घुमाऊंगा तो मेरा ब्रश का साइज़ बड़ा होगा और दूसरी साइड घुमाऊंगा तो छोटा हो जाएगा। और ये सारा बटन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे आपको किसी में इरेजर चाहिए, किसी में ब्रश चाहिए, किसी में बैक बटन, किसी में फॉरवर्ड बटन, तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एनिमेशन वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो ये टैबलेट आपके लिए बेस्ट है, बट मुझे तो यार डिजिटल पेंटिंग ट्राई करना था तो मैं इसे परचेस किया। सो अब आपको आगे इस टैबलेट पे बनाया हुआ ड्राइंग मिलेगा, तो मुझे आपसे थोड़ा उस पर सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आप लोग नॉर्मल वीडियोस पे करते हो, क्योंकि ये टैबलेट मेरे लिए अभी नया है, उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ मैं, तो हो सकता है थोड़ा हाथ बैठने में इसमें टाइम लगे। एंड एट लास्ट हैप्पी दिवाली सभी को, मज़े करो, और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये टैबलेट कैसा लगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो हमारा सेकंड चैनल था इलाइट आयरन, वो हैक हो चुका था एंड अभी हमें वापस मिल चुका है। सो दिवाली पे मुझे बहुत सारा हैप्पीनेस मिला है, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, एंड इस पे मैं अलग से अपडेट करूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।